अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज व्लॉगिंग में बैठे हैं हुसैन जाहिर, साथ उनके कजन्स बैठे हैं तैबा, मरियम और मास। आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी हजरत यूनस अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है? वो आपने वाकया सुना होगा ना, हजरत यूनस अलैहिस्सलाम थे मछली के पेट में, ठीक है? उनके मुतल्लिक मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? जी हाँ, ऊंची आवाज में कहते हैं, ठीक है? अभी चलो। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम यरूशलम शहर में पैदा हुए। एक ये कंट्री है, एक शहर है, सॉरी सिटी, जैसे पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, इसी तरह एक मुल्क उसका नाम है यरूशलम, ठीक है? शहर में पैदा हुए, वो नेक इंसान थे और हर वक्त लोगों की बेहतरी के लिए फिक्रमंद रहते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको अपना रसूल चुन लिया। इन्हें नैनवा शहर के सरकश लोगों की हदायत के लिए वहां जाने का हुक्म हुआ। एक शहर था जिसका नाम था नैनवा। क्या नाम था? नैनवा। इसमें क्वेश्चन और आंसर भी होने, वो मैं एंड पर आप लोगों से करूंगी, ठीक है? इसलिए ध्यान से स्टोरी सुननी है। नैनवा शहर के सरकश, मतलब के जो मज़ सही नहीं चल रहे थे ना, लोग थोड़े से गुमराह हुए थे, अल्लाह को भूले हुए थे, लोगों की हदायत के लिए वहां जाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ठीक है? नैनवा पहुंच कर हजरत यूनस अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। जब भी हजरत यूनस अलैहिस्सलाम इन लोगों को समझाते, वो लोग इनकी बात नहीं सुनते थे। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम ने इनको बार बार समझाया, माँ से यो के बैठो, बुरे काम छोड़कर नेक काम करो। सुनिए ये क्वेश्चन मैं करूंगी, ठीक है? हजरत यूनस अलैहिस्सलाम ने क्या बार बार समझाया? बुरे काम छोड़कर नेक काम करो, अल्लाह के अजाब से डरो। लेकिन इन नाफरमानों ने अपने तरीके तो ना बदले, तो हजरत यूनस अलैहिस्सलाम इनसे बिल्कुल मायूस हो चुके थे। उन्होंने ना उम्मीद होकर इन लोगों के लिए अजाब की बददुआ की और दिल शिकस्ता समंदर की तरफ चल पड़े, ठीक है? वहाँ एक कश्ती सफर के लिए तैयार खड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती रवाना हुई तो शदीद तूफान आ गया और कश्ती डूब गई। कश्ती वाले ने कहा, जरूर कोई मुसाफिर अपने मालिक से भागकर आ गया है। जब कोई ना बोला तो इसने कहा कि सब मुसाफिरों के नाम की पर्ची निकालो और जिसके नाम की पर्ची निकलेगी इसको बाहर फेंक दो, वरना सब डूब जाएंगे। मतलब ये कि जो कश्ती थी ना, वो डोलने लग गई थी, हिलने लग गई थी। तो लोग जो थे ना, वो कह रहे थे कि ये अल्लाह की तरफ से लग रहा है अजाब है, वो इसलिए है कि कोई ना मुसाफिर इसमें ऐसा बैठा है जो अपने मालिक से भाग कर आया है, तो इसलिए ये हमें अजाब होने वाला है। तो अब कोई भी इंसान थोड़ी समंदर में बाहर निकलेगा, तो वो कोई बोला ही ना कि मैं शायद भाग कर आया या मैं भाग कर आया हूँ, तो इसलिए सब मुसाफिरों ने सोचा कि अब हम पर्ची एक डालेंगे, जिसका नाम निकल आएगा ना, समझ लो कि वही आदमी भाग कर आया, उसको हम ना कश्ती से बाहर फेंक देंगे, ठीक है? वरना हम सब डूब जाएंगे। तीन दफा कुरानदाजी हुई। कुरानदाजी हुई कि मतलब तीन दफा पर्चियां डाली गई, तीनों दफा नाम निकला था ना, वो हजरत यूनस अलैहिस्सलाम का नाम निकला था। किनका निकला था? हजरत यूनस। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं भी तो अल्लाह के हुक्म के बगैर ही तो बस्ती छोड़कर आया हूं ना, तो हो सकता है कि इसी वजह से मेरा नाम बार बार निकल रहा है। ये सोचकर हजरत यूनस अलैहिस्सलाम ने समंदर में छलांग लगा दी। इसी वक्त एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया, मतलब कि मुंह में डाल लिया। वो इस मछली के पेट में पहुंच गए। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो मछली के पेट में पहुंच गए। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे। हालांकि हम लोग इंसान मछली के पेट में जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन ये अल्लाह का जो था ना मौजा था, मतलब कि ये अल्लाह के हुक्म की वजह से था कि हजरत यूनस अलैहिस्सलाम उनके पेट में गए मछली के, लेकिन वो जिंदा रहे और जब तक वो वहां रहे तब तक अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे थे, ठीक है? हजरत यूनस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, बेशक आपके सिवा कोई मबूद नहीं है, कोई हामी मददगार नहीं। या अल्लाह, आप तो हर ऐब से पाक हैं, बेशक मैं ही जुल्म कर बैठा। अल्लाह ताला ने हजरत यूनस अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी वो कबूल फरमा ली
और अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल के करीब बाहर उगल दिया, मतलब कि मुंह से बाहर निकाल दिया। ये एक वीरान साहिल था, मतलब बिल्कुल सुनसान, वहां पर कोई चीज नहीं थी। ठीक है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नहायत कमज़ोर और लागिर हो चुके थे, क्योंकि मछली के पेट में इतने तो वहाँ कुछ खा पी भी नहीं रहे थे, वहाँ ऑक्सीजन मतलब ये चीज़ें भी नहीं थी, और वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। जब मछली के पेट से बाहर निकले ना, तो वो बहुत बड़े कमज़ोर हो गए थे। अल्लाह के हुक्म से एक फलदार पेड़ दरख्त, मतलब एक फलदार दरख्त से इनको ख़ज़ा मिली, मतलब कि वहाँ से उन्होंने फ्रूट तोड़ कर खाया और उन्हीं के साय में रहे, दरख्त के साया में बैठे। जी आहिस्ता आहिस्ता वो जो फ्रूट वगैरह खाने लगे ना, उनके जिस्म में ताकत आने लग गई। अल्लाह ताला ने इन्हें वापस नैनवा, मतलब कि वही शहर में जाने का हुक्म दिया जहां से वो खुद अपनी मर्जी से लौट कर आए थे, जहां के जो लोग थे ना वो सरकश हो चुके थे। जब आप अलैहिस्सलाम नैनवा पहुंचे तो वहां के लोग आप अलैहिस्सलाम की पुर असर तालीमात की वजह से अल्लाह ताला पर ईमान ला चुके थे, मतलब कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया था ना, जो फरमान दिया था, उनमें एक असर था। तो इसकी वजह से ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद ना कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे, मतलब मुसलमान तो वो है ना जो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम को मानते हैं, लेकिन उस टाइम में मुसलमान तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि वो अल्लाह पर ईमान ला चुके थे। मतलब अल्लाह को मानना चाहिए और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पत्थर हैं, बुत हैं, पहाड़ हैं, कोई भी चीज़ है। तो ये अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी होता है। ठीक है, जिस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इन्हें अल्लाह के दीन की तलीम देने लगे, मतलब वहाँ के जो लोग थे ना उनको दीन की तलीम दी। ठीक है, अब ये देखो हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ी है। ठीक है, तो अब मैंने ना आपको इसमें से कोई क्वेश्चन करूँगी, सवाल आ, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि आप चारों ने ध्यान से स्टोरी को सुना है कि नहीं सुना। ठीक है, अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपना रसूल क्यों चुना? हाँ, क्योंकि वो बहुत नेक थे और इन्हें नैनवा जो ना वो नेक भी थे, लेकिन उन्होंने शहर में भेजना था नैनवा शहर में, क्योंकि वहाँ के लोग जो सरकश हो चुके थे ना, तो इसलिए रसूल चुना कि वहाँ जाकर उन लोगों को हदायत दे। ठीक है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा के लोगों को क्या समझाया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ना उम्मीद होकर क्या किया? हाँ, आप नहीं हुसैन बता रहे, आप भी बताइए। कश्ती डूबने लगी तो कश्ती वाले ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि कोई अपने मालिक को छोड़ के आया। हाँ, बैठ जाइए फिर, अभी पीछे जाकर उनके। हाँ, उन्होंने सोचा कि कोई है जो ना अपने मालिक के हुक्म के बगैर भाग कर आ गया, उसकी वजह से कश्ती जो डोल रही है। ठीक है, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के हुक्म के बगैर ही आ गए थे ना, इसलिए। तो ये है कि मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की? हाँ, मतलब यही कि या अल्लाह बेशक आपके सिवा कोई मबूद नहीं, कोई हामी मददगार नहीं, या अल्लाह आप तो हर ऐप से पाक हैं। उन्होंने ना आयत करीमा पढ़ा था, वो जो है ना ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, ये बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, इसी वजह से ना वहाँ से निकलते, ये उनकी वजह से। हाँ, ठीक है, तो ये वाली है। हमने कौन सी अभी स्टोरी सुनी है? मछली के पेट में। मज़ा आया? हाँ, चलो ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, फिर मैं आपको और भी बड़े मज़े मज़े की, मेरे पास बुक्स हैं सारी बच्चों के लिए, अंबिया क्राम की जो है ना वो कहानियाँ हैं, उनकी स्टोरीज हैं, मैं आपको बाकी भी वीडियोस में सुनाऊंगी। अब इस वीडियो में अपने व्यूवर्स से कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, और हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी स्टोरी लगी, और जो हमने क्वेश्चन किए आपको वो क्या उनके आंसर पहले से आते थे या हमने जो आंसर बताए वो आपको कहें। अपने व्यूवर्स को कहो कि हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलो कहो सारे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़।